रहीम शुरू खातमुन्नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। सलमान पसरूरी आपकी खिदमत में हाजिर है। जनाब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम अल्लाह के फजल के साथ अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके एहसान किया और बारिश होना शुरू हो गई और बहुत ही खूबसूरत बहुत ही मज़ेदार मौसम अल्लाह ने बना दिया, क्योंकि अल्लाह पाक हर चीज़ पर कादर हैं, जो चाहें वो करते हैं। और यकीन माने कि इतना मज़ेदार मौसम है कि ऐसा मौसम आपको एसी में भी मैसर नहीं होगा। सुबह सुबह का टाइम है, अभी 6:30 हुए हैं, मैं उठाऊँ काम के लिए, तो आप देख सकते हैं मेरे घर में ये बारिश का मौसम है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, ये नोट फरमाएँ आप। और ये देखें बहुत ही खूबसूरत मौसम बन गया है। और अब मैं काम पे जाने की तैयारी करने लगा हूँ, क्योंकि आगे ईद के दिन है, आज और कल का दिन काम पे जाएंगे, कल छुट्टी हो जाएगी। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं चादर ले लूँ ऊपर, क्योंकि बारिश है, बारिश में कपड़े भीग जाने हैं, तो चादर ले कर फिर मैं काम पे निकलूँ, कपड़े बच जाएंगे। तो माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने बहुत अपनी रहमत की है, बहुत ही करम किया है हम ना चीज़ पर, और अल्लाह ऐसे ही अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाता रहे। लें जनाब तैयारी पकड़ ली है, चादर ले ली है तो बारिश से बचा जा सके। और मुझे कॉल आई है भाई साहब की कि जनाब आज जाना है कार पे, तो आपने 7:15 फलां फलां जगह आ जाना है। मैंने कहा ठीक है जनाब आ जाऊँगा, और अब आ गया हूँ मैं बाहर, बारिश हो रही है आपको दिखाने के लिए। आप देख सकते हैं कि ये मैं खुले ग्राउंड में आ गया हूँ, जहाँ कब्रिस्तान है और ग्राउंड भी है, हमारे लिए यही ग्राउंड है बचपन से। अब डड्डू बाहर आए हुए हैं बरसात में, और आपको मैं दिखाता हूँ कि वो कैसे और क्या कर रहे हैं। कितना खूबसूरत मौसम हो गया है, अल्लाह करीम का शुक्र है, बारिश बरसा के मौसम को बहुत ही प्यारा कर दिया। और जनाब आपको जो ये ख़ास बात है वो मैं बताने के लिए और दिखाने के लिए लाया हूँ। बात ये है कि मेंढक जो है ना, ये डड्डू हैं, वो बाहर निकले हुए हैं और मुझसे डर के अंदर जा रहे हैं, और मैं कोशिश करता हूँ कि इनकी कोई वीडियो बन जाए। वो तो सब अंदर चले गए यार, कोई भी बाहर नहीं रहा, और आप ये इनकी आवाज़ नोट कर रहे हैं। वो
भी चला गया अंदर, एक यहाँ पे खड़ा था वो भी अंदर चला गया। और आप आवाज़ें सुने इनकी कि आवाज़ें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, और यकीन जाने के मुझे मेरा बचपन याद आ गया। जब हम छोटे हुआ करते थे तो ऐसे ही इसी जगह पर ऐसे ही ये डड्डू बार आया करते थे, और हम इनके साथ बहुत ही मतलब के ज़्यादा मज़ा करते थे, बहुत ही मज़ा आता था, यहाँ पे खेलते थे। और क्या बात है यार, ये देखेंगे पानी खड़ा तो हम आ जाते थे निकरे पहन के और चल भाई पानी में खेलना, नहाना सारा सारा दिन, घर से माँ से मार पड़नी, और बहुत ही मतलब के ज़बरदस्त किस्म की क्लास लगनी, तो फिर हमने घर जाना। कोशिश करता हूँ अगर रिकॉर्ड हो जाए बीच तो। नहीं जनाब, इतनी ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी वीडियो जनाब क्या बनानी है इनकी, ये तो देख के डर के भाग जाते हैं जब भी मैं इनके पास जाने की कोशिश करता हूँ। और मेरे पास कैमरा इतना ख़ास नहीं है कि जो इनकी वीडियो बना सके। ये देखें आपको ये छोटा सा मेंढक नज़र, छोटा सा ये देखें आपको पीले कलर का डड्डू नज़र आ रहा है, आप नोट कर सकते हैं ये डड्डू ही है। ये देखें जनाब, ये भी पीले रंग के आपको डड्डू दो नज़र आ रहे हैं, मैं कोशिश करता हूँ क्लोज करने की। ये देखें, हाँ जी, तो जनाब ये देख सकते हैं आप कि आपको ये आवाज़ भी इनकी आ रही है, और ये पूरी फैमिली बैठी हुई है, एक दो तीन और चार, और यकीन जाने मेरे पास अल्फाज नहीं हैं बताने के लिए कि मुझे कितना ये सब ये मुझे ये कितना ही अच्छा। लोग यहाँ ख़त्म होता है, अल्लाह हाफ़िज़।